नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। बेल्टन कार्यालय के बाहर है और यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो थाली और चम्मच लेके पहुंच गए हैं। क्या कुछ मांगे और थाली क्यों बजा रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। थाली लिए हुए हैं, हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हम लोग के ऐसे आवाज सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग थाली बजा कर आवाज को सुना रहे हैं। ये थाली से पेट भरने के लिए, थाली से भोजन चाहिए, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए और थाली में ही हम लोग खाएंगे ना। सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी भगाएंगे, आप हमको सत्ता में लाइए। हम लोगों ने लाया, युवाओं का ही देन है कि आज नीतीश सरकार चौथी पांचवी बार सत्ता में है। इस नौकरी की चाह में ही हम लोगों ने उन्हें वोट दिया ताकि अगर दोबारा आएंगे और हम लोग पैनल में बचे हुए हैं कि हम लोगों का नियुक्ति होगा, हम लोगों का भी घर परिवार चलेगा। आज मतलब अधिकांश युवा इस नौकरी के इंतजार में कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, जीवन मतलब बेकार होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनकी शादी होने वाली होगी, रुक गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम ही वैसे हैं, रुका हुआ है, बहुत सारा का शादी भी आ रहा है। हमारी एज अब 32 साल होने जा रही है, हमने शादी नहीं किया क्योंकि हम अपना पेट चलाएंगे नहीं तो दूसरी की बेटी को कैसे रखेंगे हम अपने घर में, वो भी हमें नहीं बेटी देगा अपना। अगर लाभ ही लेते हैं तो कर्ज में डूब के मर जाएंगे हम। ऐसा मतलब समय आ गया है, बहुत लड़के आत्महत्या करने पे उतारू हैं कि आखिर जॉब नहीं मिलेगी, हम जाएं कहां। केंद्र सरकार की वही हालत है, राज्य सरकार की वही हालत है। खैर ये तो अलग बात है, हमने एग्जाम पास किया CBT, उसके बाद हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, मतलब सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद, पास होने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। पढ़ने के बाद आप लोगों को सड़क पे थाली बजाना पड़ रहा है, लाठी डंडा, लाठी डंडा भी खाते हैं। और सरकार इतना पढ़ने के बाद भी, एक तो पर शिक्षा को बढ़ावा देती है, लेकिन शिक्षा लेने के बाद भी, उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी सरकार लीडर ले गया कि आप चलिए अंदर, आपको आश्वासन देंगे, बात करेंगे, जो भी ज्वाइनिंग के लिए होगा हम आप लोग को समझाएंगे। उनको अंदर ले जाकर कॉलर पकड़ करके फिर गेट से बाहर कर दिया गया और बोला जा रहा है कि जाओ तुम लोग घर है, तुम लोग का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। प्रोटेस्ट हाँ, देखे ना, हम लोग का बैनर छीन करके वहाँ रख दिया गया कि तुम लोग का कोई अथी नहीं होगा। अब कैमरा थोड़ा सा करके आप दिखवा दीजिए, नाकामी को छुपा रही है और 3 साल से लटकाई हुई है। कोई अंदर तो MD सर तो अब तक नहीं मिले हैं, हम लोग कितना बार आंदोलन आ गए हैं, ऐसे भी आए MD सर एक भी बार नहीं मिलने आए हैं। और जो भी हम लोग का कैंडिडेट जाके अंदर बात करते हैं उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं होती है, हम लोग के लिखित में कभी आश्वासन नहीं मिल पाती है कि कब होगी। मौखिक रूप से बोल दिया जाता है जाओ तुम लोग का 1 महीना बाद होगा, 3 महीना बाद होगा। बहुत सारा नेता लोग से भी मिले हैं, बहुत जीवेश मिश्रा जो IT मिनिस्टर है उनसे भी मिले, वो भी बोले कि सभी को फरवरी में। जीवेश मिश्रा ने दावा किया है कि हम रोजगार देंगे और रोजगार दे रहे हैं। नहीं, कहां मिल रही है, उनका ही डिपार्टमेंट नहीं है, हम लोग कहां, हम लोग रोजगार के लिए आए, हम थाली पीट रहे हैं, कहां सुन रहे हैं। सरकार बोले कि सभी का 3 महीना में हो जाएगा, रहे हैं 3 साल बिता चुके हैं और 3 महीना में हो जाएगा। और लेट लतीफी इतना कर रहे हैं लोग कि एकदम बहरा तरफ से सोए हुए हैं, हम लोग का कुछ हो नहीं पा रहा है, हम लोग एकदम मेंटली हरासमेंट हो गए हैं एकदम। हम लोग का यानी इन लोग देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो मेंटली हरास हो गए, अंदर ले जाया जाता है लेकिन बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा आरोप है अभ्यर्थियों का कि अंदर में जो विभाग के लोग हैं वो कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। ये लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। चयनित है 7,000 से भी ऊपर संख्या थी जिसमें 3,000 प्लस अभ्यर्थियों की नौकरी हो गई है, कुल जो अभ्यर्थी बचे हैं वो सड़क पे दर दर भटक रहे हैं। एक और अभ्यर्थी है, बात करना चाहते थे, अब क्या बोल रहे थे बोलिए। अब नहीं रहा जाता बेरोजगार, करवा दो हमारी नियुक्ति सरकार जी। नीतीश सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि 3 साल से हम लोग बार बार मतलब आ रहे हैं और मार खा के जा रहे हैं, ये कब तक चलेगी। और मतलब हम लोग का जो है ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण हम लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं। 3 साल हो गया अभी तक, मतलब सिर्फ 3,000 का ज्वाइनिंग दिया गया है और जो 4,000 है उसका ज्वाइनिंग देने का विचार है सरकार को या नहीं वो हमको साफ साफ बता दे। नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग नहीं ज्वाइनिंग कैसे लेंगे। हम लोग 1,050 रुपया में फॉर्म पहले भरे, साल भर हम लोग तैयारी करके एग्जाम दिए हैं CBT, उसके बाद टाइपिंग के लिए कहा हुआ कि बोला गया कि आप लोग कृतिदेव पे टाइपिंग होगी हिंदी इंग्लिश ईश्वर, फिर एकदम एग्जाम का 3 महीना बाद चेंज कर दिया गया कि आप लोग का मंगल फ्रंट पर लगा। हम लोगों ने कितना मेहनत करके टाइपिंग पास किया, दो टाइपिंग रिटर्न एग्जाम पास किया, वो कैसे छोड़ देंगे। हमारा अधिकार है, हम पास किए हैं, ऐसे नहीं आप सर रोजगार मांग रहे हैं कि हमें
ज्वाइन आप करवाइए, हम आपके लिए क्वालिफाई किए हुए हैं तब आपसे ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, ऐसे नहीं मांग रहे हैं। अब हम लोग के जल्दी ऐसे ऐसे लगता है जैसे हम लोगों ने कर्ज मांगने आया है। हम लोग को बार बार ऐसे ही जब आते हैं अपनी मांग को मांगने तो सिर्फ आश्वासन मिलता है और मार पीट कर भगा दिया जाता है। अगर रोजगार देती सरकार, अगर सच में रोजगार देती तो इतने योगी सड़क पर नहीं आते। अभी तक में बिहार दरोगा हो, टीचर हो, जो भी हो, सब में सरकार जानबूझ के धांधली करवाते हैं। बस आश्वासन मिलता बिहार में, आश्वासन इसका कुछ नहीं मिलता है। विद्यार्थियों का सच में रोजगार देते तो स्टूडेंट अभी सड़क पर नहीं आते, आने के लिए मजबूर कर देते सरकार खुद। बोला जाता है कि डिजिटल भारत बनेगी, डिजिटल बिहार बनेगी, और डिजिटल को जितना भी कैंडिडेट डिजिटल बनाने के लिए है उन लोगों का फिजिकली मेंटली सबको हरासमेंट किया जा रहा है। क्या देख सकते हैं सरकार का सारा दावा फेल है। अभ्यर्थी सड़कों पे घूम रहे हैं लगातार, अभ्यर्थियों का आपको हम प्रदर्शन दिखाते हैं NBC 24 के माध्यम से किस तरीके से अभ्यर्थी सड़कों पे रहते, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंगता है। अभ्यर्थी बेरोजगार फिर भी, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं जाता है। सभी मंत्री से मिले हैं, तमाम जो बिहार के मंत्री हैं, लेकिन मांगे कहीं ना कहीं लोगों की पूरी नहीं होती है। विभाग में आते हैं तो बड़बड़ता पूर्वक लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। पहले की बात कर ले तो इन लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ है। बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी थे, क्या कुछ कहना था, आपने सुना है। इनकी मांगे कब तक पूरी होती है देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।